हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसके फैशन। फ्रेंड्स, आज मैं ये शुगर केन ग्रो करने का बता रही हूँ ये वीडियो में। ये देखिए, ये जो गन्ना है, अक्सर जो है ना गन्ना उगाना घर में थोड़ा प्रॉब्लम होता जो सो, लेकिन जो है ना थोड़ा कोशिश करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से उगा सकते हैं पलों घर में भी। मैं ये मट्टी रेडी करके रख ली फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देख रहे आप, एक टब के अंदर जो है ना ये मट्टी मैं रेडी कर ली। इसमें थोड़ी सी राइस खस मिलाई में और थोड़ी सी रेती है और घर की बनी हुई खाद है इसके अंदर, और एक ये भी एक रेडी कर ली में। इसमें अगर कम पड़ा तो फिर इसमें भी जो है ना मैं लगाती हुई है, क्योंकि थोड़े ज़्यादा ले ली मैं लगाने के लिए। ये देखिए, इस तरह से जो है ना मैं मट्टी रेडी कर ली, थोड़ी सी राइस खस मिला ली फ्रेंड्स इसके अंदर। मेरे ने रेती नहीं थी तो इसके लिए मैं थोड़ा कोकोपीट और राइस खस मिक्स कर ली इसके अंदर लाल मट्टी में, और थोड़ी घर की बनी हुई है, देख रहे हैं आप, घर की बनी हुई खाद है ये। ये मैं जो है ना घर में जो किचन वेस्ट निकलता उसको एक थैले में या जो भी खाली चीज़ है उसमें डाल के जो है ना घर की बनी हुई खाद बना लेती हूँ। देखिए, ये ऐसा खाद मिक्स कर ली मैं इसके अंदर। ये देखिए, मैं ऐसा इसको गन्ने को जो है ना ऐसा इस तरह से जो है ना मैं कट करके रख ली। ये देख रहे हैं आप, ये नोट वाला एरिया, ये देखिए ये वाला, ये जो है ना ये यहाँ से जो है ना स्प्रॉट स्टार्ट होते हैं जो है सो के इसमें गन्ने की, तो इसलिए मैं जो है ना इसको पूरे जो है ना बैठ के पूरा कट कर ली। थोड़ा ये वीडियो में थोड़ा अगर डिस्टर्बेंस है तो फ्रेंड्स माफ़ी चाहती हूँ मैं, क्योंकि बाजू बिल्डिंग का काम चल रहा इसलिए जो है ना मैं थोड़े वीडियो भी मेरे लेट हो जा रहे हैं। अक्सर जो है ना अक्सर बिल्डिंग के काम अगर रुका वक्त वीडियो शूट करेंगे बोले तो जो है ना बच्ची ट्यूशन को चले जाती है हमारी, और जब ये टाइम पे वीडियोस बनाएंगे बोले तो उस टाइम पे जो है ना बिल्डिंग में बाजू की काम चलते रहता, उसकी वजह से जो है ना डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाएगा बोल के मैं थोड़े वीडियोस मेरे लेट हो जा रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये देखिए, ये गन्ना लगाने का आज बता दूँ, ये जो नोट वाला एरिया है ना फ्रेंड्स, ये वाला ये ऐसा रखना है, कम से कम ये गन्ना अगर अपन सही तरीके से अगर उगा लिए। मैं ये टब को फिलो खुद के लिए छोटा ली फ्रेंड्स, उसके बाद मैं जो है ना कौन सा भी जो खाली वाला ये जो बैरल है मेरे पास वो अगर खाली हो गए तो जो है ना एक दो तीन महीने में मैं ये वाले जो है ना उसके अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ। जब अभी फिलो खुद मेरे पास ये था तो मैं ये यूज़ कर ली। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से जो है ना लगाना है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो आँख रहती ये आँख वाले की तरफ से लगाना है अपने को। ये देखिए, यहाँ पर छोटी वाली है, परवाह नहीं है अगर ये भी शूट हो निकल गया यहाँ से भी, तो ये भी जो है ना एक गन्ने का बन जाता अपने लिए, इसलिए मैं वेस्ट नहीं करी कौन से भी चीज़ें हैं। तो मैं ये देख रहे हैं आप, ये भी मैं आधा यहाँ से तोड़ते वक्त ख़राब हो गया था, लेकिन मैं ये रखी क्योंकि रखने की वजह ये है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक आँख है, इसको मैं सोची अब ये एक बार ट्राई करेंगे, अगर लग गया तो अच्छा है बोल के इसकी भी जो है ना मैं रख ली है। तकरीबन देखिए यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स, एक दो ये तीन ऐसा करके मैं जो है ना पूरे गन्नों को जमा लेती हूँ। ये देख रहे, सही तरीके से अगर ये गन्ना ग्रो करे तो जो है ना 3 साल तक इसकी अपन हार्वेस्टिंग ले सकते, साल में एक बार ही इस गन्ने की। ये देख रहे आप, इसका कितना अच्छा है ये है। इसको जो है ना मैं ऐसे में लगाऊंगी, थोड़े खड़े में भी बताऊंगी मैं आपको लगाना। ये तो फिलहाल मैं ये एक बता रही हूँ, जितने भी आंख वाले नोट से ये नोट जो निकल रही जहां से भी इसको जो है ना ऊपर रखने का है। ये देख रहे आप, यहाँ पर भी है, देखिए ये टूट गया यहाँ से, लेकिन यहाँ आंख अभी बाकी है इसलिए मैं इसको वेस्ट नहीं करी, ये भी ट्राई करेंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए इसकी जड़ा भी बाकी है, देखिए यहाँ पर आंख निकल रही इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पर देखिए ये मैं इस तरह से जो है ना पूरा इसको जमा लिए था। अब इसमें से कितने स्प्रॉट्स निकलते हैं ये देखेंगे पढ़ लूँगा। ये देखिए मैं ऑलरेडी जो है ना परसों एक और दो तीन जो है ना मैं और भी लगा ली जो है सो करने के। ये भी ये देख रहे हैं आप, ये खाद है, मैं छान के इसको रख ली रेडी करके। ये देख रहे थोड़ी सी जो है ना कंपोस्ट ऐसा डाल लेंगे। अब ये देखिए, ये देखिए ये भी मैं थोड़े से रख लिए। ये राइस का सेफ्रन, इसमें मैं जो है ना थोड़ी सी खाद मिला के रेडी करके रख ली मैं ये गन्ने के लिए। ये देख रहे हैं आप पूरी राइस खस है, मैं इसको राइस खस को इस तरह से पूरा उसको ऊपर कवर कर देती हूँ। राइस खस इसलिए डाल रही हूँ फ्रेंड्स, ये इसके जो इसके शूट जो निकलेंगे उसमें जो है ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना और गन्ना अच्छे से ग्रो होना बोल के जो है ना मैं इसको राइस खस से कवर कर दी। आप चाहे तो मिट्टी से भी कवर कर सकते हैं, सैंड से भी कवर कर सकते हैं। मैं जो है राइस खस से कवर कर दी क्योंकि मेरे पास ये राइस खस था इसलिए, वरना नहीं तो मैं कोकोपीट वगैरह भी यूज़ कर लेती हूँ अगर ये निकालना है तो। अब देखिए ये एक रेडी हो गया, देखिए इस तरह से अच्छी सी एक लेयर जो है ना अपन ये इसकी लगा लेना कोकोपीट से। ये देखिए नीचे पूरी मट्टी है, खाद है और जो है ना नीचे पूरा वो रेडी हो रहा, ऊपर से मैं पूरा जो है ना वो जमा के राइस खस से जो है ना इसको कवर कर दी। अभी इसको देखेंगे अपन लोग, अभी ये और एक एक बता दूँ मैं आपको। इसमें भी सेम प्रोसेस वही है, मट्टी और थोड़ी सी मैं वो मिला ली राइस खस और खाद है इसके अंदर। अब देखिए मैं भी ये इसको भी जो है ना बना के रेडी रख ली। ये देखिए ये जो है ना ये यहाँ पर ये नोड वाला है जो एरिया है ना इसको मैं ऊपर करती हूँ। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से जो है ना एक गड्ढा बना के इसको जो है ना इस तरह से रख देती हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम मैसेज है। अब ये देखें यहाँ पर भी जो है ना ये यहाँ से जड़ा निकल रहे साइडों से, ये नोड वाला एरिया है इसको भी जो है ना सेम उसी तरह से जो है ना यहाँ पे देखिए ये नोड वाला जो एरिया है फ्रेंड्स, असल इसको गौर से देखना क्योंकि बाजू को दपर लूँगा अगर इसको नीचे करके अगर लगा दिए तो फिर उसके जड़ा जो है ना नीचे की तरफ चले जाते जो है ना, इसलिए जो है ना इसको ये पॉइंट ऊपर की तरफ आना, जैसा मैं ये बताई आपको। ये देख रहे हैं आप ये पॉइंट ऊपर की तरफ आ रहा, यहीं से जो है ना गन्ने के जो है ना शूट्स निकलना शुरू होते अपने को, इसलिए जो है ना ये थोड़ा एहतियाती कर लेना है लगाते वक्त। अब देखिए यहाँ पर भी है, देखिए अब इसको भी मैसेज ये देखिए सेम ये जो ऊपर की तरफ जो आ रहा है यहाँ देख रहे हैं आप बीच में से इसके जो है ना ये निकलता है ये जड़ा है देखिए इसके, ये देखिए ऐसा जो है ना इसको ऊपर की तरफ लगा के ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये नोड वाला एरिया ऐसा नीचे की तरफ जा रहा, यहाँ पर यहाँ से देखेंगे तो ये नोड वाला एरिया ऊपर की तरफ जा रहा। मैं तो ऐसा लगाती हूँ मगर शायद कैसा भी लगा सकते होंगे, मगर मैं तो ऐसा एहतियाती से लगा ले रही हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पर भी सेम वैसे है, ये देखिए ये भी जो है ना इस तरह से ये ऐसा लगा के इसको भी सेम कोकोपीट से जो है ना इसको कवर कर देती हूँ। ये देख रहे हैं आप पूरा जो है ना इसको मैं कोकोपीट से जो है ना अच्छी से एक मोटी परत लगा दी इसके ऊपर। कोकोपीट और ये खाद बनी भी है, खाद मिक्स है इसमें, ये देख रहे हैं आप खाद के ये खाद है, ये जो दोनों को मिक्स करके जो है ना ये देख रहे हैं ये दो कुंडे रेडी कर ली मैं। यहाँ देख रहे हैं पानी देके बताती हूँ मैं आप लोगों को, पानी एक ही बार में दे देने का है इसमें। देखिए
ये देखिए आप, पानी जो है ना एक ही बार में दे दी दोनों को भी। और मोटी रेत परत इसलिए डाली मैं कोको इसकी राइस खस की कि जो है ना अगर वो शूट से बाहर आने में लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना बोल के मैं जो है ना मट्टी नहीं यूज़ करके ये राइस खस वगैरह यूज़ करी। देखिए पानी इसमें से निकल रहा, देखिए ये, क्योंकि मैं ये दोनों पॉटों को कल ही से रेडी कर ली थी वीडियो शेयर करने के लिए आप लोगों से। अब और मैं परसों भी वीडियो रेडी करी फ्रेंड्स, आप लोगों को बताती हूँ मैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी सेम मैं एक बड़े, ये बड़ा वाला टप है, ये बड़े वाले टप के अंदर जो है ना गन्ने को मैं पूरा सेम वो जो अभी जो बताई आप लोगों को सेम वैसी चीज है ना यहाँ पर भी। ये देखिए ये यहाँ पर भी जो है ना, ये यहाँ पर भी जो है ना छोटे वाले ग्रो बैग में किसी को भी दे सकते बोल के एक्स्ट्रा थे मेरे पास, इसलिए जो है ना मैं इसमें जो है ना दोनों को भी लगा दी। और जो थोड़े बचे वो भी अभी ये जो है ना फ्रेंड्स, और एक बताती मैं आप लोगों के साथ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये एक टप है मेरा, मैं गन्ने लगाई इसको। यहाँ पर देखिए इसके अंदर मैं साइडों में थोड़े हरी मिर्ची थी वो डाल दी थी, इसमें से देखिए ये खीरे की बेल निकल गई, इसको भी मैं शिफ्ट करती हूँ। यहाँ देख रहे हैं आप, ये गन्ना है, ये यहाँ पर देखिए ये गन्ना निकल रहा है यहाँ से, ये देख रहे हैं ये गन्ने का पूरा है। अभी इसमें मैं मट्टी कम है, आप देख रहे हैं मट्टी बिल्कुल कितनी है, देखिए पूरा पॉट मेरा खाली है, बस थोड़ी सी जो है ना एक मेरे ख्याल से एक 5 इंच मैं मट्टी मिलाई राइस खस मिला के उसमें लगा दी। लेकिन ये गन्ने देखिए यहाँ पर हो रहा, बाद में मैं ये पूरे झाड़ों को जो है ना अलग शिफ्ट करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा और खाद और मट्टी मैं इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ, ये आप लोगों को बताने के लिए मैं। फ्रेंड्स आज ये शुगर केन ग्रो करना मैं आप लोगों को बताई, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। फ्रेंड्स वीडियो लेट हो जा रहा है तो उसके लिए मैं आपको बोली कि बाजू बिल्डिंग का काम चल रहा, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है ना वीडियोस थोड़े लेट हो जा रहे मेरे, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। और जो है ना वीडियो देख रहे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, प्लीज़ हो सका तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। जैसे कि इसमें कमेंट्स में बताइएगा मैं ये लगाई शुगर ना ग्रो करने का आप लोगों के साथ शेयर करी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह हाफिज़।